अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वयं ही खत्म हो जाएगा। जीवन का प्रत्येक दिन कुछ अनुभव और कुछ स्मृतियां देते हुए बीत जाता है। अंततः जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंद से भरने का प्रयास करें। ना सुख का अहंकार करें, ना दुख मिलने पर अत्यधिक शोक। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लीजिए। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, यह अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलिए। व्यक्ति समय के साथ साथ अपने बुरे वक्त को भूल तो जाता है, पर बुरे वक्त में अपने प्रति लोगों का व्यवहार कभी भूल नहीं पाता। परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत होती है वहां दिखाना आवश्यक होता है, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तो किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। सिर्फ एक वादा, अपने आप से जिंदगी भर निभाना। जहां तुम गलत ना हो वह सिर कभी मत झुकाना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से अब जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से निश्चिंत हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं हो, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करते रहेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें।